जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। महिला अधिकारिता निदेशालय एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मंजूरी संस्थान की भागीदारी में यूनिसेफ राजस्थान के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से पंचायत संघ साथिन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत सरपंच एवं साथिन हेतु बाल एवं महिला हितैषी पंचायत विषय पर 22 से 23 अगस्त 2024 तक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में चर्चा की गई। कार्यशाला में आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज रवि जैन ने सरपंच और साथिन मिलकर काम करें जिससे ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि साथिनों को ग्राम पंचायतों को बैठने का स्थान मिले। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी पर लगे स्कैम की जेपीसी से जांच की मांग करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के धरने में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अदानी और सेबी चेयरमैन के साथ मिलकर बड़ा स्कैम किया। इस स्कैम के बारे में लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रहे। प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर पर जाकर जनता को उस स्कैम के बारे में जानकारी देंगे। माधवी बुच की फर्जी तरीके से नियुक्त कर घोटाला किया गया जिसमें अदानी की कंपनी के शेयर बनाने का काम किया। सौर ऊर्जा बिजली कोयला संसाधन उपलब्धता जैसे सभी कार्यों अपने हाथ लेकर अदानी बंधुओं को देने का काम किया। पहले राहुल गांधी ने जो बात कही वह अब साबित हो रही। अदानी और उनकी कंपनियों में मॉरिसस और अन्य जगहों की कंपनियों द्वारा शेयर लगाए और अदानी की कंपनियों की शेयर कीमत बढ़ाकर सबसे अमीर बनाने का काम किया। अब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूत होने के बाद राहुल गांधी इनके लिए मुसीबत बन गया है। इंडिया गठबंधन के लोग राजस्थान से भी राहुल गांधी की आवाज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत आयोजन जवाहर कला केंद्र की आर्ट गैलरी में शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में स्पेस के बारे में बताया गया। इस दौरान स्कूल्स के बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता रखी गई। बच्चों से स्पेस के रिलेटेड सवाल जवाब किए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम की मौजूदगी में हाइड्रोलिक प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम ने प्लांट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विप्रो ने राजस्थान सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट स्थापित कर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। निवेश के लिहाज से राजस्थान अब कंपनियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए निवेशकों द्वारा दिखाई जा रही रुचि के चलते आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सीएम ने कहा कि राजस्थान भारत के महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आया है। राजस्थान के विकास में योगदान देने और इसका हिस्सा बनने के लिए विप्रो का स्वागत है। अनुसूचित जाति जनजाति अदालत की न्यायाधीश रेणु श्रीवास्तव ने जेल में अपने साथ बैरक में रहने वाले दूसरे कैदी को जान से मरने के आरोपी अनवर को आजीवन कैद और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीपीके मंजूर अली के अनुसार आरोपी अनवर को रामगंज मंडी में एक आदमी के मर्डर करने पर आजीवन कारावास से दंडित किया था और वो अजमेर की जेल में सजा भुगत रहा था। उसी की बेरिक में बूंदी निवासी पनालाल मीना भी आजीवन कैद की सजा काट रहा था। इन दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस बात को लेकर अनवर ने उससे रंजिश रखने लगा और उसने चम्मच पर धार देकर तीखा हथियार बना लिया। उससे 18 अप्रैल 2018 की रात को जब पन्नालाल उसके पास सो रहा था, चम्मच से उसकी हत्या कर दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 8 से 19 सितंबर तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 विषयों के कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 12 जनवरी को जारी किया गया था। इस परीक्षा के तहत सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर को प्रातः 11 से 1 बजे तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय परीक्षाओं का आयोजन प्रातः 9 से 12 तथा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक किया जाना प्रस्तावित है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।